वेलकम क्लास 9th इन टुडेज क्लास स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी विद गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाले कौन कौन से वैल्यूज़ थे, किन किन चीज़ों के बेसिस पे, वो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी जिनके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे स्टडी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इस पूरे क्लास 9th के सिविक्स बुक में हम इंडिया के इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हमने पहले जैसे डेमोक्रेसी यानी हमारे यहाँ की जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको पढ़ा, उसके जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देन हम हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, किन तरीके से इंस्टीट्यूशंस हमारे पास वर्क करते हैं, और इलेक्शंस के क्या प्रोसेसेस हैं, और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या सिस्टम है, वो सब पढ़ेंगे, है ना। तो ओवरऑल हम हमारे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में विद फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी पर वर्क करता है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहते हैं, फिलॉसफी तो एक ऐसी चीज़ होती है जो बेस तैयार करता है ना, कि वो कौन से वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो अगर हमें फिलॉसफी जाननी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम दो तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, टू वेज है हमारे पास। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर मेजर लीडर्स थे, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से लेकर या फिर फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पर, उस समय जो भी काम हुआ स्ट्रगल के टाइम से, उन लोगों के अगर हम व्यूज़ देख लेते हैं, है ना, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या उन्होंने जो भी स्पीचेस दिए हैं, तो हम काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकेंगे कि उसकी वो किन फिलॉसफीज़ पे वर्क करता है। कैसे? क्योंकि इन्हीं लीडर्स या यही सारे लोगों ने, जिन लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम किया, उनके व्यूज़ का भी तो काफ़ी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे, है ना। तो उनकी फिलॉसफी यानी उन लीडर्स की जो भी फिलॉसफी थी, जो भी सिद्धांत था, वो जिन भी चीज़ों को जिन वैल्यू ज़्यादा देते थे, उन्हीं चीज़ों को बेस बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी व्यूज़ को देखते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वे क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को के वैल्यूज़ को समझने के लिए, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल दिया गया है जो कि खुद की फिलॉसफी को ही इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी पे वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रीएम्बल को, यानी प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन्स फिलॉसफी, है ना, किस फिलॉसफी पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, फ्रेम किया गया है, वही प्रीएम्बल में बताया गया है। इसे हम एक तरह से शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग कुछ नेम्स देख रहे हैं हमारी बुक में, है ना, बहुत सारे नेम्स दिए हुए हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं यहाँ पर, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के नेम्स दिए हुए हैं, है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल के टाइम से ही हमारे कंट्री में पॉपुलैरिटी ली, और एक बहुत ही अहम रोल के साथ इन लोगों ने इंडिया में वर्क किया। ठीक है, इनके बीच में महात्मा गांधी जी का भी नाम है, है ना, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम मिसिंग है, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में नहीं थे। ठीक है, जबकि फ्रीडम के टाइम पर जो भी स्ट्रगल्स हो रहे थे वहाँ पर इनका एक लीडिंग रोल था। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका नाम नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
इनके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल के बाद भी, इतने ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ में इनकी ओपिनियन नहीं ली गई, ऐसा नहीं था। बल्कि इन्होंने डायरेक्टली नहीं रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, फिर भी इन्होंने एक मैगज़ीन लिखी थी और वो मैगज़ीन का नाम था यंग इंडिया इन 1931, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने विजन्स दे दिए थे, है ना, कि इनके हिसाब से इनकी क्या फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, या एक आइडियल कंट्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है। या यंग इंडिया के थ्रू उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा कि यंग इंडिया यानी ये जो नई इंडिया होगी वो कैसी होनी चाहिए उनके मैगज़ीन में, है ना। तो वो जो रूप उन्होंने उस टाइम पर यंग इंडिया में लिखा था वो उनकी फिलॉसफी पर ही था, है ना, और यंग इंडिया से ही उनके विजन्स को, उनको व्यूज़ को इंक्लूड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी ऐड किया गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी का रोल डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर या लगातार उसके बाद तक भी हमारे कंट्री को, हमारे लीडर्स को इंस्पायर किया, ठीक है, और गाइड किया, ठीक है, जिन जिन चीज़ों से, जिन भी विशेषताओं के थ्रू हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की, उन्हीं वैल्यूज़ से इंस्पायर होते हुए उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो वैल्यूज़ जिन्होंने हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को इंस्पायर किया, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन रहा है, या इंडियन डेमोक्रेसी का भी फाउंडेशन रहा है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हमने पहले भी बताया कि ये वैल्यूज़ हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में देखते हैं, है ना। सिर्फ प्रियम्बल को रीड कर लेने से ही हमारी फिलॉसफी हमारे समझ में आ जाती है, ठीक है। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यही स्टेटमेंट, यही शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर होकर हमारी कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, ठीक है। अमेरिका का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी शुरुआत में उसकी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय प्रियम्बल, प्रियम्बल के थ्रू ये काम किया गया है। और इसी तरह बहुत सारी वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिगिन किया है इस प्रियम्बल के साथ। चलो देखते हैं हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, beliefs, faiths, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया की, कि इंडिया में कौन कौन से वैल्यूज होंगे, है ना, कौन कौन सी चीज़ें इंडिया में, हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होंगे। तो जैसे सबसे पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन मींस पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी ये वो कंट्री होगी हमारी इंडिया, ऐसी कंट्री होगी जो सॉवरेन होगी, यानी यहाँ पर लोग जो होंगे उनके पास राइट होगा कि वो किसी भी तरह के डिसीजंस को लेंगे, चाहे वो डिसीजन इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। साथ में यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड, जिसकी मीनिंग है वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब आ जाता है जहाँ पर किसी भी तरह का इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। इनइक्वालिटी इकोनॉमिक बेसिस पे
नहीं देखने को मिलेगी, यानी कोई भी पुअर और कोई भी रिच नहीं होगा, ऐसी कंट्री का निर्माण हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्युलर, जो जिसका मतलब होगा सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर कंट्री की तरफ से किसी भी तरह की बाउंडेशन, किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं होगा कि किस रिलीजन को फॉलो करना है लोगों को। यहाँ पर लोग खुद फ्री होंगे चूज़ करने के लिए कि वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया, इसका मतलब है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो ऐसी होगी जो इलेक्टेड होगी बाय कॉमन सिटीजन्स, और यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स होंगे, और जो रूलर्स होंगे वो हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे। जबकि रिपब्लिक वर्ड की मीनिंग है द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेडेटरी पर्सन, किसी भी तरह की कोई डायनेस्टी वाइज रूलिंग यहाँ पर नहीं होगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्टेड होगा और यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी वो इलेक्टेड होगी और यहाँ के लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं ये जो यूज़ किए गए हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बात की गई है जस्टिस की, यानी एक ऐसे कंट्री का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहाँ पर जस्टिस होगा। किन किन तरह के जस्टिस होगी, किन किन तरह का न्याय होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट लिबर्टी, हमें कौन कौन सी चीज़ों की लिबर्टी होगी सिटीजन्स को, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स, फेथ एंड वर्शिप, इन चीज़ों की छूट हमें पूरी तरीके से होगी। हमारी कंट्री इन चीज़ों पे किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं लगाएगी और जो भी रूल्स और लॉज बनाएगी वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। फिर हमारी कंट्री हमको प्रोवाइड करती है इक्वालिटी, इक्वालिटी किन चीज़ों की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर तरह की चीज़ें, हर तरह के स्टेटस की इक्वालिटी, और जो भी चीज़ें अवेलेबल कराएगी हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की हर तरह की चीज़ जो होगी वो सबके लिए अवेलेबल होगी, सबके लिए एक बराबर अपॉर्चुनिटी होगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, साथ में हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों पे वर्क करेगा, ऐसी चीज़ों पे वर्क करेगा जो हमारे बीच की फ्रेटर्निटी को अश्योर करेगा, हमारी खुद की सेल्फ डिग्निटी को इम्प्रूव करेगा, इंडिविजुअल की डिग्निटी को इम्प्रूव करेगा, ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ावा देगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारी कंट्री की एनहेंस करेगा। तो इस तरह से हम हमारे प्रियम्बल को पढ़कर समझ सकते हैं कि हमारी पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस किन किन वैल्यूज़ पर, किन किन फिलॉसफीज़ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जिन भी तरीके के अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, कुछ भी जो कुछ भी इंडिया के अंदर वर्क किया जाएगा, वो सभी कुछ इन चीज़ों पर, जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जो प्रियम्बल में भी मैंशनड है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दिस प्रियम्बल इज़ आल्सो नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इन वैल्यूज़ के बारे में लिखता नहीं है, बल्कि इन्हीं वैल्यूज़ पर वर्क भी करता है। जो भी हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करे गए हैं वो सब कुछ इन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जिसको लिख कर रखा गया है, और ये बहुत एक लार्ज डॉक्यूमेंट है, वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट, जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है, और टाइम टू टाइम ये रेगुलरली अपडेट भी होता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बारी जब बना दिया गया तो वही हम पूरे लाइफ टाइम या हमारा कंट्री, हमारा नेशन हमेशा फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम पर लोगों ने फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर का सीन कैसा होगा, फ्यूचर में लोगों की ज़रूरतें कैसी होंगी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखा था। लेकिन
अगर प्रेजेंट टाइम पर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ है ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करनी चाहिए, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये सारे जो भी चेंजेस हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करते हैं, उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं, क्लियर। तो दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो सारा प्रोसीजर बता दिया गया है, उन सभी प्रोसीजर्स का उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से एक कोई भी पर्सन होगा जो गवर्नमेंट को चूज़ करेगा, इलेक्ट करेगा, और साथ ही साथ पर हर तरह के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, हर तरह के जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनकी पावर और लिमिटेशंस को भी वहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस नहीं हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है और इस चीज़ की सिक्योरिटी भी देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सेफ़ रहें और प्रोटेक्टेड रहें और किसी भी के भी द्वारा वॉयलेटेड ना हो। हमारे जो आगे के 3 चैप्टर्स हैं हमारी इसी बुक के, वो हमें बताएंगे कि किन किन तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और काम करता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री के अंदर जो हमारे कंट्री को रूल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो विद दिस टॉपिक दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। हमारा ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ कम्प्लीट हो रहा है और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच टॉपिक। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी एंड सॉल्व योर डाउट। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.